नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ BSF रिक्वायरमेंट 2017 कांस्टेबल वैकेंसी निकली है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं सीधे। देखिए दोस्तों, BSF रिक्वायरमेंट 2017 1074 पोस्ट है कांस्टेबल के लिए। दोस्तों इसमें अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग उनके लिए अलग अलग पोस्ट हैं। तो देखिए दोस्तों, आएंगे इसमें दोस्तों सभी कांस्टेबल होंगे, जैसे इसमें हो गया टेलर, हो गया कारपेंटर, हो गया पेंटर, हो गया कुक, हो गया वाटर वेजर, हो गया वाशरमैन, हो गया बारबर, स्वीपर, माली, ऐसे बहुत बहुत सी पोस्ट हैं, सभी कांस्टेबल में आएगी। अलग अलग पोस्ट हैं दोस्तों, अलग अलग इसमें वैकेंसीज निकली है, एक ही जगह है दोस्तों। टोटल पोस्ट है 1074 कांस्टेबल ट्रेडमैन्स के लिए है, और एज लिमिट है दोस्तों इसकी 18 से 23 साल होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए आपके 1/8/2017 तक। एज रिलैक्सेशन मिलेगा दोस्तों उनको जिनके पास में रिजर्वेशन है, जैसे SC ST OBC कैटेगरी वालों को। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों इसमें आपको 2 साल का वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें भी आप भरते हैं, जैसे आप माली में भरते हैं या बार बार में भरते हैं, तो उसका आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपको 2 साल कोई डिप्लोमा इंडस्ट्री में ट्रेनिंग की हुई हो, वो आपको बतानी है। सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों इसका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं PET, फिर रिटर्न टेस्ट और मेडिकल एग्ज़ाम, ये होगा दोस्तों। अब बात आती है अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आपको एक बायोडाटा बनाना होगा, बायोडाटा बनाना होगा, उसमें आपको एक्सपीरियंस अपना सभी चीज़ें लिखनी होगी, फिर जो इसकी एग्जामिनेशन फीस होगी वो तो आपको BSF की ऑफिशियल साइट पर ही जाके पता करनी पड़ेगी। सॉरी, वो मैंने पता नहीं कि आपको ऐसे ही बता दिया, तो अगली बार से ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। बाकी आप BSF जैसे ही गूगल में सर्च करेंगे BSF रिक्वायरमेंट 2017, तो आपके सामने एक ऑफिशियल आ जाएगा, उसमें आपको जाके क्लिक करके उसमें से देख लेना आपको पूरा जो भी है विज्ञप्ति। और दोस्तों 12/9 को ये वैकेंसी निकली है और 11/10 लास्ट इसकी है, 11/10/2017। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें मुझे भी पता है इसमें बहुत सी कमी रह गई है, तो अगली बार से जो भी वीडियो डालूँगा वो आप पूरा प्रोसेस आपको बताऊँगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।